मनीष सिसोदिया ने सरेआम बीजेपी को रगड़ डाला, मोदी और शाह देखते रह गए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और राजधानी के उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब और बढ़ गई है। इसकी वजह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एलजीबी के सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने सर्वोच्च न्यायालय से शिकायत की है कि एलजी दिल्ली की आप सरकार गिराने में जुटी हुई है। उपराज्यपाल ने अपने हलफनामे में कहा कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई आप सरकार के खिलाफ एलजी कार्यालय काम कर रहा है और अड़ंगे लगा रहा है, जिसके कारण सरकार का काम करने में मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में डिप्टी सीएम सिसोदिया ने अधिकारियों की शिकायत भी की और कहा कि अफसर ना तो मीटिंग में आते हैं और ना ही हमारा फोन उठाते हैं। यहाँ नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने दो अलग अलग हलफनामे दाखिल कर शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना लगातार चुनी हुई सरकार की कार्यकारी शक्तियों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामे में अधिकारियों पर कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा अधिकारियों ने मीटिंग में आना बंद कर दिया है और अधिकारी मंत्रियों का फोन तक रिसीव करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा हलफनामे में आरोप लगाया कि अधिकारी या तो काम में देरी कर रहे हैं या विभागों से संबंधित फाइलों को मंत्रियों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहे हैं। अधिकारी मंत्रियों के लिखित और मौखिक दोनों आदेशों निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। दिल्ली डिप्टी सीएम ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि एलजी वीके सक्सेना ने मई 2022 में उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से दिल्ली सरकार और एल कार्यालय के बीच कई मुद्दों पर टकराव हो रहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मई में इसी साल कार्यभार संभाला था। इसके बाद से ही उनके ऑफिस और सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जनता की सेवाओं पर अधिक नियंत्रण किसके पास है, इस पर एलजी से अपने विवाद के संबंध में दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा दायर किया, जिसमें पूछा गया है कि दिल्ली में सरकार कौन है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार या फिर उपराज्यपाल। संविधान पीठ 24 नवंबर को इस पर सुनवाई करने वाली है। दिल्ली सरकार की ओर से दाखिल किया गया ये हलफनामा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।